नमस्कार किसान भाइयों, क्या आपके खेत में भी सोयाबीन हरी भरी थी और फिर खेत में आने लग गया है पीलापन और इससे आपका उत्पादन 40% तक कम हो सकता है? तो रुकिए, आज मैं आपको इस बीमारी के होने का कारण और उपचार की सही और सटीक जानकारी दूंगा। किसान भाई, आपको दी गई जानकारी हम कृषि विशेषज्ञ से बात करके खुद इस्तेमाल करने के बाद ही आपको देते हैं। और अगर आप इस बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा देना। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य इरिगेशन पर। तो किसान भाइयों, आपको अगर अपने खेत में इस तरह का पीलापन दिखाई दे रहा है तो आप में से 80% किसान को यह बीमारी 95-60 वेरायटी में दिखाई दे रही होगी। तो किसान भाइयों, आपको इसका उपचार कैसे करना है तो चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहले लेना है कार्बोफुरान 3% CG, जो कि HPM कंपनी का आता है। अगर आपको इस कंपनी का नहीं मिले तो आप किसी और कंपनी का भी कार्बोफुरान 3G ले सकते हैं। और इसकी मात्रा की बात करें तो आपको इसे 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रेत में मिलाकर डाल देना है। और इसका कार्य देखें तो ये गैस द्वारा आपके खेत में फैलकर जमीनी कीटों के अलावा रस चूसक कीटों को भी नियंत्रण करेगा। और इसके अलावा किसान भाइयों, आपको लेना है थायोफिनेट मिथाइल 70% WP फॉर्म में, जो कि बायोस्टेट कंपनी का रोको के नाम से आता है। आप किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं। और आपको इसके डोज की बात करें तो आपको 300 ग्राम 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ में स्प्रे कर देना है। इसके बाद किसान भाइयों, इस रोग से आपको 100% छुटकारा मिल जाएगा और आपका उत्पादन अच्छा हो पाएगा। तो किसान भाइयों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय जवान जय किसान जरूर लिखना। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।